हे गाइस, हैप्पी हैलोवीन। हैलोवीन हो और वॉन्डरर्स लाइफ पे आपको हॉरर वीडियो ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बड़ी अच्छी बात है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, बड़ी ही भूतिया मूवीज देखने वाले हम। रात को आपको नींद नहीं आएगी, डरोगे। आज का माहौल ही ऐसा है, सब डर रहे हैं, हमने कहा हम भी डरते हैं। चलो देखते हैं पहली मूवी। इन सारी मूवीज के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और हमारी फर्स्ट मूवी है बारबी। बारबी में हॉरर क्या है भाई? पता लग जाएगा क्या हॉरर है, चलो देखते हैं। ये प्यारी सी बारबी जैसी गुड़िया खुद पिंक फ्रॉक पहन के एक बारबी के साथ खेल रही है। यार लड़कियां ना बता, बारबी से खेलना छोड़ दे। अगर तूने बारबी में भूत निकाल दिया तो प्रेरणा मैं थोड़ी निकाल भाई ने ही निकाल दिया भूत। ओके लड़का, भाई कह रहा है कि मम्मी कह रही थी कि तुम्हारा बेड टाइम है, जाके सो जा चुपचाप। क्या कर रही है, बारबी के साथ खेल रही है। ये ऐसे ही होता है, भाई बहनों की लड़ाइयां ना चलती रहती हैं। मैं मम्मी को बता दूंगी तूने मेरे साथ ऐसे करा। मैंने नहीं, यही होता ना, भाई गर्दन तोड़ दी बारबी की। यार तेरे बड़े भाई भी ऐसे करते तेरे साथ? नहीं यार, मेरे भाइयों ने तो कभी ऐसे नहीं करा। अब छोटा वाला करता था, बड़ा वाला नहीं करता था सच में। करिए टेंशन मत लो, तुम स्टिल मेरी फेवरेट हो। मुंडी कट गई तो क्या हुआ, तुम फिर भी मेरी गुंडी हो। ये प्यार होता है ना, प्यार प्यार अंधा होता है। वाह क्या राइम है, मुंडी कट गई तो क्या हुआ, तुम फिर भी मेरी गुंडी हो। ओह कितनी क्यूट लग रही है बिना सर कटी बारबी। मुझे क्या लग रहा है, उसका ना सर आ जाएगा वापस और वो चल के उसके पास आ जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बारबी भूत बनने वाली है। देख बन गई भूत, आ गया भूत। ये लड़की को कुछ नहीं करेगी, जिसने इसकी मुंडी तोड़ी है ना उसी को करेगी, देख लियो। उसके चपेड़े लगेंगे आज, मुझे लग रहा है। चपेड़े उसकी भी मुंडी जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। मुंडी का पतला मुंडी से ये निकल गई बाहर। डैम क्या, मतलब शूट बहुत अच्छा करा है, शेकी शेकी इफेक्ट अच्छे दिए। मेरे को ना ये टॉयज में जब भूत आते हैं ना बड़ा डर लगता है। अच्छा तेरे भी घर पे कोई टॉय में भूत आते हैं क्या? भाई बहुत सारे टॉयज पड़े हैं, सारे हटा दूंगा। क्या कहा था, मुंडा तो गया। अरे यार ओ बारबी वहां पे आके बैठ गई है। कहां है बैठ गई ब्रो? बी लाइक क्या हो गया फिर, डरे हैं जिम करे हैं? ऑलराइट, वो आराम से सो गया लाइट ऑफ करके, उसको कुछ नजर नहीं आया। बट उसे पता तो लग गया कुछ तो है, कुछ तो है। क्या होगा? ठाकुर के हाथ कटे थे इसने, इसका सर काटा है। यार ये तो गलत हुआ यार। यार ये गलत क्या, ये थोड़ी फनी ज्यादा थी पता है, स्कैरी से ज्यादा। मतलब बारबी का कोई ड्रामा नहीं चढ़ा, बारबी का सर आ गया, रूप आना चाहिए क्या लगता है? हो सकता है। ओ आ गया। एक बहन ने अपने भाई का कैसे कोल्ड ब्लडेड मर्डर कराया है इस मूवी से पता लगता है। क्या हुआ? ओ शिट, बारबी इज ग्रेटर देन ब्रदर। भाई अब ये हॉन्ट करेगी ये मुंडी जो लड़के की है ना। भाई मैंने भी आई वाज लाइक, मेरे को लग रहा था फनी है बस एकदम खत्म हो गई। आई नो बट एंड वाज लाइक द शो स्टॉपर। नेक्स्ट मूवी का नाम है द डॉल। मॉली का बर्थडे है, मॉली से सब बाय बाय करके जा रहे हैं, बर्थडे पार्टी ओवर। पक्का किसी ने डॉल गिफ्ट करी होगी। मैं पहले यही बोलने वाला था, मॉली को मिलेगी डॉल और उससे होगा मॉली का काम तमाम। ओ, इसने तो सबके जाने से पहले गिफ्ट विफ्ट खोल रखे हैं। सही है, बढ़िया ब्रो। ओके बंदी केक खा रही है, एक बाइट मुझे भी दे दे, बहुत मन कर रहा है यार केक खाने का। ये खाने वाली वीडियो नहीं होनी चाहिए। ओके ये खाने वाली है भी नहीं हर्ष, ये गलती मत समझना, ये कोई खाने वाली वीडियो नहीं। अबे देख तू कितनी नकली बात है ना, सिर्फ हैप्पी बर्थडे की फील देने के लिए रैपर खोल रखे हैं। चलो एक अच्छा गिफ्ट रह गया है, सारे खुल चुके हैं, एक रह गया वो मॉली। मॉली इसको मत खल मॉली। नहीं ना 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 मत कर मॉली, तो खोल दिए मॉली, मत कर मॉली। सो क्यूट, प्यारी डॉल है यार, बहुत ही प्यारी डॉल है। लेट्स स्विच लाइव स्विच करेगी डॉल इसके साथ 24 आवर्स या लाइफ टाइम। डैम ओ इसको यार है बड़ी प्यारी, कसम से मेरे को भी आई होगी। मैं भी ओके करती, उसको स्विच नहीं करना होगा ना उसके साथ। फोन कर रही है, बात करने लगी। टेलर ने फोन करा है। हाँ, वेरी फनी। डॉल
वो पूछ रहे हैं अपनी फ्रेंड टेलर से कि डॉल बहुत फनी है. अच्छा इनकी कोई पुरानी स्टोरी है इस डॉल से रिलेटेड? वो कह रही है, टेलर कह रही है कौन सी स्टोरी? वो कह रही है तूने मुझे डॉल छोड़ी थी. भाई उसने मना कर दिया, कोई डॉल नहीं है. जिस फ्रेंड ने उसको डॉल छोड़ी वो फ्रेंड कह रही है कि नहीं मैंने तेरे को कोई डॉल नहीं दी और उस पर कोई नोट भी नहीं है. पर उसको नोट मिला है. लेट्स स्विच The possessed doll one. Oh shit! As a gift, and if you don't give it to someone else by midnight. Oh shit! So basically, इस doll के साथ एक story है और इसको ऐसा लग रहा है कि इसके साथ ये किसी ने prank किया है. अगर ये doll ये accept कर लेती है, तो इसकी और उसकी आत्मा बदल जाएगी. भाई. Bro, really? मेरा मन कर रहा है यार ऐसा कुछ video बनाने का. Challenging. ये doll मिलती कहाँ पे है? गाइस आपको पता है तो जरूर बताना कमेंट्स में. टेलर कह रही है मैंने ऐसी डॉल नहीं छोड़ी. कोई बात नहीं मैं तेरे को फोटो भेजती हूँ. मॉली बी लाइक डूड मैं भेजती हूँ फोटो, एक सेकंड रुक. बट अब डॉल गायब. भाई लाइट स्विच हो गई इसका मतलब? ओ यार ले ली जिंदगी, ले ली हमारी सोनी सी कुड़ी की मॉली. भाई गई बर्थडे पे मॉली की जिंदगी के साथ खिलवाड़. डैम दिस डॉल, मैं बता रही हूँ ये तो बहुत ही ओमनियस है, विशियस है, डायन है, चुड़ैल है. भाई वो कह रहा है उसको पता लग गया इसमें कुछ है. कह रहा है गोइंग आउटसाइड, उसको फेंक दिया बिन में. मैं तो जला देती, इसमें बड़ी हिम्मत है जाके नीचे फेंकने जा रही है. बंदी बहुत भाई पर उसे पता है. देख रहे तो उसके वो ना वश में नहीं आई. हाँ अभी उसको फिर से मैसेज आया है. मिडनाइट हो गई, आर यू स्टिल यू? वेरी फनी. पक्का उसकी फ्रेंड ने ही करा है उसके साथ. भाई डॉल फिर आ गई. मेरे को लग रहा है टेलर ने ही उसके साथ करा है. हाँ बहुत गलत. ये ऐसी दोस्तियां तो मुझे चाहिए ही नहीं अपनी जिंदगी में. यार कर्स डॉल दे दी वो बार बार बेचारी. ओ डॉल ने बोला, डॉल कह रही है स्विच कर मेरे साथ. ओ खत्म. ये डॉली मॉली, मॉली डॉली बन गई. डॉली मॉली बन गई. क्या हो रहा है यार ये? मॉली डॉली, मॉली डॉली, मॉली डॉली. पर मॉली तो ठीक है. अबे मॉली गई डॉल के अंदर. ओ डॉल देख रही है अपने हाथ चकट के. रहे सो ब्यूटीफुल. मॉली अंदर गई. मॉली बर्थडे के दिन डॉली बन गई. बहुत बुरा हुआ मॉली के साथ. मैं इसलिए अपना बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करूंगा इस बार, ताकि कोई डॉल ना दे जाए. मैं तो कह रही हूँ अभी के अभी स्विट्जरलैंड की टिकट ही बुक करा लेते हैं. क्यों तेरे बर्थडे पे? घर बैठना है चुपचाप. I'm joking. दो खतरनाक डॉल्स का सामना करने के बाद हम देखने वाले हैं द वॉइस. आवाजों से बातें. कम हियर जे, इधर आओ. भाई ये तो एक ऐसे जैसे सेटअप करते हैं ना, ये देख के मुझे वैसे बहुत डर लगता है. एक वो एले होता है और वाईफाई डोर्स होते हैं और उसमें से भूत आ जाता है. बच्चा आया है रूम से निकल के. ओ अबे पापा जी को क्या हो गया? ओ डैड ने उसको चुप करा दिया कि बेटे चुप हो जा, कुछ मत करियो. मतलब बचा लिया डैड ने उसको? अभी फिलहाल के लिए बचा लिया है, कब तक बचा पाएगा मुझे नहीं पता. बेटा सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, अंदर मत जाना. दैट्स नॉट मी. वो कह रहा भाई मैं नहीं था, किसी और ने तुझे बुलाया था. क्या पता यही डैड ही भूत हो. नहीं पर बच्चे को बचाया उसने. अब मैं बता रही हूँ उसके पीछे जो खड़ा वही भूत है. क्या कहा था मैंने तेरे को इतनी हॉरर मूवीज देखने के बाद? तूने मुझ पे विश्वास नहीं किया, पर इतनी हॉरर मूवीज देखने के बाद मैं समझ चुकी हूँ. असली पापा थे. जय तो गया बेचारा. मुझे ठंड लग रही है, डर लग रहा है मुझे. हराम हैलोवीन नाइट पे कहीं हमारे साथ ऐसा हो, तेरे को आवाज आए और ले जाए. तुझे ले जाए? को आवाज है. मेरे को क्यों लेके जाए? मैं आवाज मार को प्रेरणा. तुझे ही लेके जाएंगे? नहीं. अच्छा वो बेचारे पापा खोलने की कोशिश करने लगे हैं कि मैं बच्चे को बचा लूं. बेटी तो मुझे पता था बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए. तुझे समझ ही नहीं आया कि वो असली पापा नहीं है? बेचारा बहुत कोशिश कर रहे हैं कि दरवाजा खोल. तो भूत कितना गंदा था यार. मुझे लग रहा है बच्चा बच जाएगा. मुझे लग रहा है पापा बच जाएंगे. बच्चा तो गया. पापा तो बचे हुए हैं. ये ट्रैप है पापा को फंसाने के लिए. नहीं देख लियो बच्चा बच जाएगा. तू सही कह रहा है, पापा के लिए ट्रैप है ये. बच्चा बच्चा बच्चे की आड़ में भूत ले गया पापू को. देख बच्चा बचा हुआ है. क्या कहा था मैंने? भाई पोजेस हो गया, वो भूत बन गया, वो वॉइस बन गई है. बताए वो पूछ रहा बेटा तुम ठीक हो? वही तो भूत लेने बापू को ही आया है.
नहीं ठीक था जादू अंदर मत आना भाई पापा गया पापा तो गए हो नहीं जय बेटा आवाज दे जय बेटा आवाज नहीं देना चाह रहा यार ये पिक्चराइजेशन बड़ी सही लगती है सिनेमाटोग्राफी टॉप नॉच बहुत अच्छी बहुत अंडररेटेड चैनल है डू चेक आउट फिर आंखें बंद करते ही वही सब कुछ सामने तो वैसे भी मन था ना फर्स्ट क्लास ट्रेन राइड करने का अब तू नहीं कर पाएगा इसे देखने के बाद आई एम वेरी श्योर बंदी आई है ट्रेन के अंदर खाली केबिन एक आधा बंदा दिख रहा है मुझे है ना वोट के चला जाएगा कभी नहीं देखा मैं बता रही हूँ एक आधा जो बंदा बैठा है वोट के चला जाएगा फिर वो एक स्टेशन आएगा जहाँ सब खाली हो जाएगा मैं स्टोरी राइटर हूँ मुझसे लिखा और फिर वहां से एक भूत भी चढ़ेगा जल्द देखते हैं ओके बंदी यहीं पे रुक गई है यहीं पे बैठ गई है ट्रेन कितनी अच्छी कम्फर्टेबल एकदम कोजी कोजी लग रही है बाहर की ट्रेन ऐसी होती है ना सारी हाँ कितना मजा आता है ना कोई बात नहीं अभी देखते अब नहीं आएगा इस मूवी के बाद वो दो बंदियां बैठी है साथ में चिल कर रही है फिर तो क्या ही डर है वो अपनी आपस में खुशबूस बातें कर रही है आई थिंक वो दोनों वो है टीचर्स है आपस में कुछ कुछ बातें करी जा रही है वो भी उनकी कॉन्वर्सेशन में से पीक इन कर रही है ओके एक बंदा और बैठा स्लोली कैमरा पैन हुआ उसकी नजरें गई उस बंदे पे यार ये सबकी बातें सुन रही है बैठ के ये बस बातें ही सुनी जा रही है हर्ष को बड़ा बुरा लगता है जब मैं किसी की ट्रेन में बैठ के ऐसे बातें सुन रही होती हूँ ना तो मुझे क्या तक अपनी जिंदगी में इंटरेस्ट है मैं कहती हूँ यार बड़ा मजा आता है दूसरों की बातें सुनने में बट अच्छा ठीक है वो अपनी कुछ जेन जून की बातें कर रहा है वो उसकी बातें मुझे लग रहा है इसका शक्ति है इसको सबकी बातें सुनाई देती है नहीं नहीं यार जब लोग बात करते हैं तो सुनाई देती है भाई इसको दूर तक का सुनाई देता है वो बंदी बहुत लोनली है मैं तेको बता रही हूँ बस वो इधर उधर बातें सुन के अपना खो गई है क्या लगता है हर्ष इनमें से कौन भूत हो सकता है क्या कह रही है तेरी जजमेंट ये खुद ही भूत है मैन ऑन अ ट्रेन स्टोरी का नाम है तो मैन ही होगा देखा गया ना भूत अबे कोई भी नहीं ट्रेन में कहाँ चलेगा सब यही कहा था सारी ट्रेन खाली हो जाएगी और एक भूत आ जाएगा और पीछे के डब्बे में बैठा है वो लड़का जो भूत जैसा है भूत मामा गायब और यार तू सोच के देख अगर तुम ऐसे पिकअप करके देख रहे हो और सामने से बंदा भी आपको ही देख रहा है मैं अगली बार ट्रेन में बैठूंगी तो मैं पिकअप करूंगी ही नहीं फिर इसने क्या वो बंदा अभी भी इसको ही देख रहा है अरे इसको इंटरेस्ट है इसकी जिंदगी इसीलिए खराब हुई है क्योंकि इसने लोगों की जिंदगी में दखल दिया शिट उसने पता आगे की तरफ ऐसे किया कि मैं आऊं आएगा वो आएगा अब वो बहुत क्लोज आ गया होगा जैसे देखेगा वो देखियो इसके सामने वाली सीट पर मत देख आंटी मत देख बहन मत देख नहीं नहीं बस देखिए ये क्यूरियोसिटी मरवाती है क्यूरियोसिटी विल किल समडे ओ शिट भाई मेरे को डर लग रहा है पता है मेरे को उल्टी आ रही है इस बंदे को देख के क्या कर रहे हैं अटैक करना है एक ही बार में कर लेना ये क्या तिल तिल करके मार रहा है बंदर की तरह भागता हुआ आएगा इसको उछलेगा हां मुझे भी यही लग रहा है यार मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं कैसी मूवीज देख रहे हैं हम हैलोवीन पे सो क्रीपी अबे कुछ हो आगे अबे वो इतनी नहीं बंदा गायब हो भाई कितनी साया फिर सिर पे तो नहीं चढ़ गया आंसू निकल गए बता उसके भाई मेरे जो हालत हो रही है ना इस टाइम मैं बता नहीं सकती मेरी खुद धड़कने बढ़ गई है बता वो बंदा भी ऐसी यार ये बड़ी बेकार सिचुएशन होती है बता जैसे जैसे आप देख रहे हो वो भी आपको वैसी वैसी देख रहा है मेरी हालत खराब हो रही है यहाँ पे मैं सच्ची बता रही हूँ बहुत स्पूकी है यार ये मूवीज अभी आखिरी होगा मेरे से लिखवा ले दिस विल बी द लास्ट टाइम जब ये पीकअबू करेगी इसका तो खत्म चैप्टर खल्लास जंप करके उसका सर खा जाएगा क्या बात है सर मत देख यार बाहर देख ले खिड़की देख ले ओ हर्ष वो खिड़की के बाहर से आया शुक्र है उसने उस पर अटैक नहीं करा एक और मूवी देखना चाहेगा yes. मुझे लगा कहेगा नहीं बस खत्म करते हैं एंड हमारी वेरी लास्ट मूवी का नाम है अ स्माइलिंग वुमन हैलोवीन ये हमारी फेवरेट है स्माइलिंग वुमन है एग्जैक्टली ओके हैलोवीन पार्टी चल रही है सब ड्रेसअप होके आए हैं अलग अलग एवेटार्स ड्रैकुला बना हुआ है वो नर्स बनी हुई है वो देख
ओए बंदी आ रही है, कह रही है आ रही हूँ 15 मिनट में। अबे आ गई, ये तो मूवी शुरू होने से पहले ही आ गई। वो येलो ड्रेस, वो हैलोवीन की कॉस्ट्यूम पहन के आई है। स्माइलिंग वुमन भूत है ना, तो उसकी जैसी बन के आई है। उसकी फ्रेंड एक्टिंग कर रही है। ये असली स्माइलिंग वुमन नहीं है पीछे? नहीं, पक्का कॉस्ट्यूम पहन के आई है। तो खेरी मुझे लगा तुम मेरी दोस्त हो, कैंडी चाहिए, हैलोवीन पे ट्रिक और ट्रीट होता है ना, ले ली बंदी ने। तो ट्रीट लेना सही होता है? खेरी आई एम स्माइलिंग वुमन। ओ उसने बोला मुझे पता ही नहीं स्माइलिंग वुमन कौन है। ऐसे स्माइल करती है स्माइलिंग वुमन। ओ भाई चल देख कैसे रही है। मुझे क्या लग रहा है कि एक्टिंग नहीं कर रही थी, ये असली वाली थी, ये रियल वाली थी। एक और स्माइलिंग वुमन भाई, ये इसको डराने के लिए आई है क्या? कह रही है ये पॉपुलर हो सकती है कॉस्ट्यूम, इसको पता ही नहीं है स्माइलिंग वुमन के बारे में। अब तो पूरी दुनिया को पता है। एक्चुअल में हमारे साथ एनकाउंटर हुआ, हमें तो पता है। मुझे तो पता है अब स्माइलिंग वुमन कौन है। वही हो गया, अननोन नंबर से मैसेज आ गया, हाय। देख रहा है ऐसे मुंह, मी इन द येलो ड्रेस। अरे तो मुझे डर नहीं रहा है, मैं तेरे को एक्टिंग करके डरा। येलो ड्रेस में तभी डरूंगा भाई, वो गायब हो गई। मैं अगली वाली हॉरर मूवी में पूरी स्माइलिंग वुमन बन के आऊंगी। वो पूछ रहे तुमने मुझे मैसेज किया था, मैं जा रही हूँ, बाय बाय। ये लड़की बहुत शरीफ है यार, सही बताऊँ यार, ये तो पिछली वाली सारी स्माइलिंग वुमन से सबसे ज्यादा गंदी टंगर है। और नहीं, ये वही है, घूम घूम के आ रही है। अयो यार, ऐसे में बंदा डरेगा या क्या कहेगा कि ये मजाक हो रहा है। यार बचा लो इसको। एक और, अरे वही है, बार बार आ रही है घूम घूम के। गई कायला, कायला को खत्म कर दिया। कायला की फ्रेंड जो वेट कर रही थी, ओ कायला कह रही है कि मैं चाहती हूँ तुम मेरी येलो ड्रेस देखो। कायला बन गई स्माइलिंग वुमन। ओ क्या इसकी फ्रेंड भाग जाएगी? नहीं, ये तो कोई और ही निकली। ओ ये स्माइलिंग वुमन की कॉस्ट्यूम थोड़ी थी, तो वो फ्रॉक वाली ड्रेसेस पहनती है। आई नो इसकी फ्रेंड आएगी अब स्माइलिंग वुमन बन के। स्माइलिंग वुमन बेसिकली क्या कर रही है, सबको स्माइलिंग वुमन बना रही है। ओ शिट, ये इसकी फ्रेंड है ऑलरेडी। आ गई कायला। कायला प्लीज अपनी दोस्त के साथ तो ऐसा मत कर, तो विश्वास उठ जाएगा ह्यूमैनिटी से। ओ कितनी सुंदर लग रही है कायला। येलो येलो डर्टी फेलो, बाय सॉरी। टाइम से आ जाती तो ये नहीं होता ना तेरे साथ, कायला भी बच जाती, तू भी बच जाती, आंखें लाल हो जाती और फिर अटैक। एक दिन मैं भी स्माइलिंग वुमन बन के इसको डराने आऊंगी। ऑलराइट गाइस, इसी के साथ, इससे पहले ये कहे कि मुझे एक और मूवी देखनी है, मुझे नहीं देखनी, मैं डर चुकी हूँ। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, प्लीज लाइक करो। लाइक नहीं करते तो मेरा दिल टूट जाता है। प्लीज लाइक दिस वीडियो और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग, बाय।